चुड़ैल का कंगन। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। सारिका जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका का कुछ दिन तो उसके गाँव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन सारिका अपने सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपने सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका ढेल से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटले के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वो सोचती है कि क्या है ये। ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। सारिका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपने ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन में अपने घर लेकर चली आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने कहा, वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी ने बोला, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्मा को कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है, और तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेती है, वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है पर उसे ज्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है, तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी एक आंखें एकदम लाल है और एक तक उसे ही देखी जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपने दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसकी नजर नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको जमीन पर गिरी मिलती है। सारिका अपने दादे को खोजने लगती है पर उसके दादा उसे कहीं नजर नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपने दादी को सारी कहानी बीती रात की बताती है। दादी बोलती है, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई, उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो ना दादी अभी कंगन रखाते हैं। दादी बोलती है, नहीं उस चुड़ैल से पीछे छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहां रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतना आसानी से नहीं करने देगी। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध देती है। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना वरना वो तुझे अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिए तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है, फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है, पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और जमीन में गाड़ देती है।
और आंख बंद करके बहुत तेजी से वहां से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर में अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। चारिका की जिंदगी का खौफनाक हिस्सा जिससे वो आज भी सोचने पर डर जाती है।